कैंट थाने की पुलिस ने बस पार्किंग से रंगदारी वसूली करने वाले एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को सरदार तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पवन सिंह उर्फ मुकुंद सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह निवासी ग्राम अपटौरा थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा जो शिवदानी रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर के निदेशक हैं, वादी मुकदमा ने प्रतिवादीगढ़ द्वारा 25 अगस्त को अपने वाहन को प्राइवेट बस पार्किंग गोरखपुर से भगाए जाने व वसूली करने तथा गाड़ियों के स्टाफ को गाली गलौज देने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थाना कैंट की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त प्रदीप सिंह पुत्र बागेश्वर सिंह निवासी मंटेश्वरी गली मोहद्दीपुर थाना कैंट गोरखपुर, दूसरा शिव कुमार मिश्रा पुत्र पौहारी शरण मिश्रा निवासी इंदिरा नगर चौराहा थाना कैंट गोरखपुर को दिनांक 19 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त पवन सिंह उर्फ मुकुंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पवन सिंह उर्फ मुकुंद सिंह इसके पूर्व जैतपुर थाना गीडा में तेहरा हत्याकांड में जेल जा चुका है, इसको देखते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह, कांस्टेबल आनंद सिंह, राजेश सिंह, हेड कांस्टेबल रामचंद्र पटेल शामिल रहे।